是一副。अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस किस्म की रेसिपी के साथ। यस, तो मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त पुलाव, जो आप देख ही रहे हैं, और ये बहुत यमी बनने वाला है। जो हम यखनी पुलाव बनाते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप एक दफ़ा इसे ट्राई करके देखें, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो ये मैंने तो ट्राई करा, मुझे बहुत 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 पसंद आया और आपको भी पसंद आएगा। तो चलें जी, इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं जी। तो सबसे पहले हम पुलाव मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है साबुत धनिया 1/2 टेबल स्पून, सौंफ 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, छोटी इलायची देख लीजिए 6 अदद है, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी है, ये बड़ी इलायची है 1 अदद, और ये बादियान के फूल हैं 2 अदद, और इसके अलावा ये लौंग है, ठीक है, देख लीजिए लौंग मैंने यहाँ पे कितनी लिया, आपको देख लीजिए, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है 1 तेज़पत्ता, और इसके अलावा जायफल जावित्री है, जायफल 1/4, और जावित्री है मेरे पास, एक तो मैं भूल जाती हूँ जायफल जावित्री कौन सी जायफल है कौन सी जावित्री, ठीक है। सारे ग्रैंड मसाले जो है, और सारे साबुत मसाले जो हैं, हमने इसको करने हैं ग्रैंड, तेज़पत्ता इसे हमने तोड़ के डालना है, और इसको हमने बिल्कुल फाइनली जो है ग्रैंड करना है, मोटा मोटा नहीं करना है, बिल्कुल बारीक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको मैं बहुत बारीक ग्रैंड कर लिया, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब हम पुलाव की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं क्लिप शूट करना फिर भूल गई, मैं समझ रही थी शूट हो रहा है बट नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ गोश्त डाला है, उसके अंदर वाटर ऐड किया है, उसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, और सॉल्ट ऐड किया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो अब इसको बॉयल आने तक हम पकाएँगे, ठीक है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा, ये देखें इस पॉइंट पे बॉयल आ गया है इसमें, तो अब पुलाव मसाला जो मैंने रेडी किया था ये मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी, ठीक है, या 1 टेबल स्पून इनफ रहेगा, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पे 1 घंटे के लिए पकाएंगे। ये देखें 1 घंटे बाद हमारी यखनी बिल्कुल ज़बरदस्त सी बन के रेडी हो जाएगी। और गोश्त आप चेक करें, मैंने बिल्कुल रूखा गोश्त नहीं लिया है, मैंने जो है रवाज की चिकनाई के साथ और हड्डी वाला ऐसा गोश्त लिया है, ठीक है। अब इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं जी। हमने लिया है ऑयल, ये जो स्पून है ये मैंने 2 स्पून ऑयल के लिए हैं, क्योंकि जो मैंने गोश्त यूज़ करा है वो चिकनाई वाला है, उसका अपना भी ऑयल होगा तो ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने सिर्फ 2 स्पून्स लिए हैं ऑयल वाले। इसमें मैंने डाला सारा घड़ा गरम मसाला, ऑफ कोर्स काली मिर्च, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, ठीक है, और बादियान के फूल। तो ये सारा ऐड करा, इसका अरोमा जब निकलने लगेगा तो हमने इसमें एक लार्ज साइज़ की अनियन जो है वो स्लाइसली कटिंग थिनली कटिंग करके, और वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब जब अनियन हमारी ब्राउन होने लगेगी तो फिर हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और जो है इस पुलाव में, यखनी में बस इतने ही मसाले डलते हैं, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते हैं। अब मैंने यहाँ ऐड कर दिया दही 1/2 कप से ज़्यादा और 1 कप से कम, ठीक है, यानी 1/2 पाव से थोड़ा ज़्यादा, 1 पाव से थोड़ा कम। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन चिल्ली मोटी मोटी चॉप करके वो डाल दी, आप चाहे तो पीस के डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, तो जैसे मैंने डाली है आप ऐसे डालें। इस पॉइंट पर स्पाइस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ग्रीन चिल्ली में, क्योंकि जो हमने पुलाव मसाला बनाया है वो भी काफ़ी स्पाइसी होता है, तो इस वजह से आप ग्रीन चिल्ली का, अगर आप स्पाइसी कम खाते हैं तो ग्रीन चिल्ली वाला स्पाइस आप कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ किया है, ओके। अब देखें इस मसाले को, पुलाव मसाला भुनने में देर नहीं लगता, ठीक है, जो पुलाव रिमेनिंग पुलाव मसाला था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड करा है, ठीक है। मुझे अभी इस पॉइंट पे मैंने चलाया, मुझे कम लगेगा तो थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी, यानी टोटल मैंने यूज़ करा है 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और ऐड करा, मैंने अपने स्पाइस के मुताबिक ऐड करा है। तो जी, इसे मसाले को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे, मिनटों में भूनता है और बहुत ही झटपट ये पुलाव तैयार होता है। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने सोचा चले आपको बना के दिखाऊं, और ये बहुत ज़्यादा यम्मी बना था, बिलीव मी बहुत ज़्यादा यम्मी बना था।
अच्छा मैंने अब जो हमारी यखनी जो मैंने तैयार की थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। गोश और यखनी दोनों एक साथ हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको यखनी का वाटर कम लगे तो आप प्लेन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आप सॉल्ट भी चेक कर लीजिएगा। सॉल्ट एक तो हमने यखनी में डाला हुआ है तो चेक कर लीजिएगा, अगर आपने सही डाला है तो इस पॉइंट पे आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं चेक करूँगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा नॉर्मल डाला था। अच्छा, बॉयल आने तक इसे पकाएंगे। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए 1/2 kg राइस और 1/2 kg ही मैंने गोश्त लिया था यखनी के लिए। 1/2 kg बिरयानी राइस मैंने लिए थे जिसे 1/2 hour के लिए मैंने सोक करके रख दिया था। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ पे ना वाटर कम लगेगा और सॉल्ट मैं चेक करूँगी, मुझे सॉल्ट भी कम लगेगा तो मैं इसमें सॉल्ट देखें 1.5 teaspoon मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं इसमें वाटर भी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे यखनी का वाटर थोड़ा सा कम लग रहा है। कोई इशू नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्ट एंड वाटर दोनों ऐड कर दिए इसमें। अब मैंने चेक करा, मुझे परफेक्ट लगा। ठीक, अब मैं इसे ढक के हाई फ्लेम पे पकाऊंगी और इस पॉइंट पे अब देखें ये पानी ड्राई हो गया है तो इसमें मैं लेमन जूस 1 lemon का lemon juice बीज हटा के वो मैं इस पॉइंट पे ऐड करूँगी। ठीक है, और हल्के हाथों से चलाएंगे, चावल टूटना नहीं चाहिए। इस लेमन से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। अब ये देखें यहाँ पे बिल्कुल दम पे आने वाले हैं चावल, तो जो है मैं इसमें ग्रीन चिली फॉर गार्निशिंग ये मैं ऐड करूँगी। ना ऐड करना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ब्राउन अनियन लाजमी इसमें ऐड करिएगा ऊपर दम के लिए। ये बहुत, ये मेरे पास जो है रेडीमेड ब्राउन अनियन रखी हुई थी तो ये मैंने ऐड कर दी इसमें। अब मैं इसे 7 to 8 minutes दम पे छोड़ दूँगी। देखें आफ्टर 7 to 8 minutes ये देखें ये बिल्कुल माशाल्लाह से पककर तैयार हो चुका है और चावल आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना खिला खिला है। बहुत ज़्यादा चावल ज़्यादा नहीं चलाया करें। मैं आपको जब भी कोई भी राइस की रेसिपी बताती हूँ यही बोलती हूँ, नहीं चलाया करें, चावल टूट जाता है। चावल बहुत नाजुक चीज़ होता है और गर्म में बहुत जल्दी टूट जाता है। और देखें यहाँ पे हमारे राइस बनके रेडी हैं। अब मैं इसे सर्व करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सब पुलाव। और देखें चिकना गोश्त मैंने इसमें यूज़ करा है, बार बार बोल रही हूँ बिल्कुल रूखा गोश्त नहीं यूज़ हमने करना है। और चावल देखें बिल्कुल खिला खिला सा तैयार हुआ है और शक्ल से इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना। और ये देखें मैं आपको दिखा रही थी चिकने गोश्त के साथ ही पुलाव का मज़ा है, चाहे किसी भी किस्म का पुलाव बना रहे। बस जी यही थी हमारी आज की वीडियो, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह उन्हें भी पसंद आएगी। स्पाइस अपने मुताबिक ऐड करें अगर आप ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते तो। बस जी यही थी आज की वीडियो, अपना ख्याल रखें और मेरी वीडियो देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आगे तक जाएंगे आपकी सपोर्ट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।